हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। गोशा महल के MLA टी राजा सिंह की वाइफ टी उषाबाई ने अपनी बहनों के साथ तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदराराजन से मुलाकात की और MLA राजा सिंह की जेल से रिहाई में उनसे मुदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने दरख्वास्त में मजीद वजाहत की कि हुकूमत मुकदमात साबित नहीं कर सकी और इन्हें PD एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस कार्यकर्ताओं और हामियों को इंक्वायरी के नाम पर बुला रही है और उन पर तशद्दुद कर रही है। उषाबाई ने तेलंगाना के गवर्नर से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की और हुकूमत तेलंगाना को PD एक्ट को मंसूख करने और उसे जारी करने की हिदायत की। उन्होंने 5 सितंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट में एक राइट पिटीशन भी दायर की थी, जिसमें हैदराबाद पुलिस के जरिए अपने शोहर के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन PD एक्ट के तहत उनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था। उस कानून साज को 26 अगस्त को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने 22 अगस्त को YouTube वीडियो में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए थे। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें।